दोस्तों मैं माल रोड में पहुंच गया हूं। काफ़ी भीड़ है, वैसे जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही काफ़ी क्राउड है। और नीचे लग रहा था जैसे रास्ते में कि कोई नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, सभी को मेरा प्रणाम। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। आज मैंने ब्लॉग बहुत ही लेट शुरू किया क्योंकि थोड़ा काम था, तो वो साफ़ सफाई किया और मैडम जी ने परांठे बनाए थे, तो परांठे वांठे खा के मैं नहा धो के फ्रेश होके तो मैंने कहा अब ब्लॉग शुरू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप ओपन करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहे, और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो शेयर कर ले, और लाइक भी कर ले, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वर्कशॉप, फिर उसके बाद देखते हैं, कस्टमर का वेट करते हैं। A few moments later. So, दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी मनाली, तो कुछ काम पड़ गया है तो इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको व्यू मनाली का, काफ़ी दिनों के बाद मनाली जा रहा हूँ। वैसे तो गोलू और बल्लू को भी लाना था तो, लेकिन उन दोनों को लाया नहीं, इसलिए इमरजेंसी में मेरे को खुद ही जाना पड़ रहा है अकेले। तो देखते हैं मनाली में कैसा है, बर्फ़ है या नहीं है, आपका मनाली में क्राउड है या नहीं है, कैसा है, तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों। आप चलिए चलते हैं मनाली की ओर। तो मैं पहुंच गया हूं मनाली और गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, तो मेरा जो काम है मैं वो करके आता हूं, फिर आप लोगों से मिलता हूं दोस्तों। A few moments later. दोस्तों मैं माल रोड में पहुंच गया हूं। काफ़ी भीड़ है, वैसे जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही काफ़ी क्राउड है। और नीचे लग रहा था जैसे रास्ते में कि कोई नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी है, माल रोड में भी काफ़ी है। तो देखते हैं, पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर घूमेंगे, देखते हैं। और मास्क लगाना तो वैसे भी ज़रूरी है, तो मास्क तो मैंने लगा के रखा है। तो ये देखिए काफ़ी लोग हैं, वैसे इससे ज़्यादा क्राउड होता है लेकिन अभी थोड़ा कम है, पर जितना उम्मीद से ज़्यादा है, पर करते हैं कुछ। वैसे तो भूख भी लग रही है पर अभी नहीं खाऊंगा, घर जाके ही खाऊँगा, पहले मैं अपना काम निपटा लूँगा फिर उसके बाद देखते हैं। दोस्तों जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हुआ ही नहीं। एक्चुअली मैं दीपा के लिए, गोलू के लिए लाफिंग लेने आया था, जैसे कि आप सभी को पता है कि उसको लाफिंग बहुत पसंद है, लेकिन लाफिंग वाले के पास लाफिंग ख़त्म हो गया था। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उनके पास बचता नहीं है। वो आंटी बोल रही थी कि आजकल इतना बिकता भी नहीं है और बहुत कम बनाते हैं, जितना बनाते हैं वो सारा बुकिंग पे बनाते हैं। तो अभी मैं बुकिंग करके आया हूँ, अब कल सुबह उन्होंने 11:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा कल आप आना और कल ले जाना। सो मेरा सरप्राइज़ जो मैडम जी के लिए था वो अधूरा रह गया, अब कल आऊँगा, कल लेके जाऊँगा, क्योंकि मैडम जी वैलेंटाइंस डे के दिन बोरी थी मुझे लाफिंग खाना है, तो काम थोड़ा ज़्यादा था इसीलिए मैं जा नहीं पाया, हम लोग नहीं जा पाए मनाली की और आ नहीं पाए। तो मैंने सोचा कि आज मौसम, जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम ख़राब है, तो जिस दिन मौसम ख़राब होता है इतना काम होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी जा के आता हूँ। तो मैं उसको बोल के आया था कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तो अब काम हुआ नहीं, अब कल देखते हैं, कल जाऊंगा आऊंगा तो कल लेके जाऊंगा उसके लिए लाफिंग। तो अभी चलते हैं दोस्तों घर वापस, तो मैं मिलता हूं घर पहुंच के आपसे। A little longer than a few minutes later. So दोस्तों मैं पहुंच गया हूं घर, तो अभी थोड़ा खा पी लेते हैं, भूख लगी है, जो काम था वो तो हुआ नहीं, बट चलिए अब खाना पीना खा लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों अभी हमने डिनर कर लिया है, तो डिनर में बनाया हुआ था मलका की दाल और चावल, तो अभी मैं अपने लिए बना रहा हूँ चाय
और वो तीनों चले गए सोने, तो मैं भी जा रहा हूँ सोने। तो आज के ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखते हैं कल जाते हैं मनाली, फिर लाफिंग मिलेगा तो लाएंगे, वैसे कल तो मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।